भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के द्वारा नगर पालिका के सीएमओ के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। तीन भाजपा के पार्षद कभी भी पार्टी के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रहते और आज भी नदारद रहे, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। सीएमओ के तीन साल के कार्यकाल की जांच करने के लिए मंत्री एवं कलेक्टर के नाम ज्ञापन तहसीलदार को दिया गया। भाजपा के पदाधिकारियों और पार्षदों ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी जीटी डहरिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक इस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ उचित कार्यवाही नहीं किया जाता, तब तक कोई भी भाजपा के पार्षद किसी भी प्रकार के नगर पालिका के बैठक में भाग नहीं लेंगे। हम सभी भाजपा के कार्यकर्तागण एवं वरिष्ठ नेतागण एकत्रित हुए हैं। यहाँ नगर पालिका में अनेकों प्रकार की अनियमितता का हम सभी जनप्रतिनिधिगण को सामना करना पड़ता है। हमारे फोन जब लगाते हैं बार बार तो उठाया नहीं जाता, यहाँ हमारी समस्या को सुना नहीं जाता है। हम सभी बहुत परेशान हैं और दो साल से इंतजार कर ही रहे थे कि चलो आज नहीं तो कल हमारी समस्या का हल होगा, लेकिन अभी तक के कोई भी समस्या का हल हमारे साथ नहीं हुआ है, नहीं हो पाया है। इसलिए हमें जबरदस्ती और मजबूरन ये जन आंदोलन करना पड़ा और हम आगे भी अगर ये कार्यवाही नहीं होगी तो हम आगे भी इस आंदोलन को उग्र बनाने का प्रयास करेंगे और सभी हम मिलकर इस आंदोलन को सफल बनाएंगे। जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं जेएम पोर्टल से हो रहे हैं, जेएम पोर्टल में चाहे मार्क्स हो, 149 रुपये की MRP से उसका बिल कटा है, 1499 रुपये से भाप मशीन का कटा है, जबकि उसकी कीमत 9 रुपये और 200 रुपये है। सैनिटाइज़र का छिड़काव यहाँ पर शहर में कराने के लिए बोले तो 20 से 25 लाख रुपये बिल कटा हुआ है, समथिंग ऊपर भी हो सकता है, कम ही, लेकिन एक से ऊपर किसी भी वार्ड में छिड़काव नहीं हुआ है हमारी जानकारी में। और हम CMO के खिलाफ नहीं है, हम CMO के जो चलन चाल में है कि वो अपने वेतन में खुश रहो, ना कि जनता से लेन देन में खुश रहे। दो चार बार मैंने अपने मुखबिरों को भी भेजा यहाँ पर अंदर कि जाइए राशन कार्ड बनवाइए, राशन कार्ड के लिए जाते हैं तो बोलते हैं पैसा दोगे राशन कार्ड बनवाए। हमने इस बार चर्चा भी की अध्यक्ष से भी, CMO से भी और पार्षद के साथ गए, उससे बोलते हैं नहीं होगा आगे से, लेकिन वही चीज़ होती है, इसलिए आज हमने धरना प्रदर्शन किया। अगर आज भारतीय जनता पार्टी टिंडा शहर के द्वारा नगर पालिका परिषद के यहाँ पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा जो लगातार अपनी पद स्थापना के साथ यहाँ पर भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं, आम पार्षदों के आज पार्षद की सुनवाई नहीं है, यहाँ पर लोगों को जो है मूलभूत सुविधाएं जो उपलब्ध होनी चाहिए, पेयजल, बिजली, सफाई, ये सारी सफाई व्यवस्था पूरी चरमरा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार प्रशासन से, शासन से मांग की, यहाँ पर पेयजल की समस्याओं को भी बार बार भ्रष्टाचार के उसमें लगाया जाता है कि बार बार मोटरें जल रही है, एक ही यहाँ पर नई आई हुई मोटरें दो ठो पड़ी हुई है। पिछले 6 माह पूर्व भी हम और माननीय सांसद महोदय आए थे, तब भी निर्देश दिया गया था, मगर यहाँ के CMO जो है पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। इन CMO के खिलाफ पिछले 3 सालों में जितने भी खरीदी की गई थी वो पूरे जेम पोर्टल से खरीदी की थी, मगर यहाँ पर स्टॉक रजिस्टर में कोई भी इंदिराज नहीं है। इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल और यहाँ भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल के द्वारा आज ये एक दिवसीय धरना दिया गया, जिसमें हम माननीय मंत्री जी के नाम से और कलेक्टर महोदय के नाम से CMO की 3 साल के कार्यकाल की पूरी जांच करने के लिए हमने निवेदन किया है। 15 दिवस के अंदर में यदि ये जांच नहीं होती और CMO को यहाँ से नहीं हटाया जाता तो भारतीय जनता पार्टी आगे भी आंदोलन का विस्तार करने